कक्षा छः की पुस्तक है मल्हार और दसवां इसका पाठ है जिसका नाम है परीक्षा। इसको अंग्रेजी में आप लोग एग्ज़ाम भी कहते हैं। तो परीक्षा तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो यहाँ पर किस परीक्षा की बात हुई है, चलिए उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। लिखा है कि जब रियासत देवगढ़ एक जगह का नाम है, उसके एक दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। तो उनके एक दीवान थे जिसका नाम था सरदार सुजान सिंह, बूढ़े हुए तो भगवान की याद आई उनको। जाकर महाराज जी से विनय की कि हे दीन बंधु होते हैं दुखियों के भगवान, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। ठीक है, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, तो अब मेरी अवस्था भी डल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी ज़िंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान के, ये भगवान की मैं आपका दास रहा हूँ 40 साल तक, अब मेरी जो उम्र है आयु है वो डल गई है, बूढ़ा हो गया हूँ, राजकाज भी नहीं संभाल सकता, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मतलब मुझ में जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, अगर बुढ़ापे में कोई भूल चूक हो जाएगी तो सब मुझे कुछ बुरा बुरा कहेंगे, दाग लग जाएंगे मेरी बनाई हुई सारी कमाई पर, सारी जो कमाई है मिट्टी में मिल जाएगी। तो राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। तो यहाँ पर दीन बंधु राजा को कहा गया, भगवान का दर्जा दिया जाता है राजा को, तो उनके आगे दीवान होते थे, दीवान मंत्री होते थे। तो राजा साहब अपने जो एक्सपीरियंस वाले जो बहुत अच्छे दीवान, उनका बड़ा आदर करते थे, बहुत समझाया उन्होंने, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त ये लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा, आप ही एक नया मंत्री लेकर के आओगे, क्योंकि दूसरा नया मंत्री हम कहाँ ढूँढेंगे, तो आप ही अपने जैसा एक नया मंत्री दे देना। अब क्या होता है कि दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में ये विज्ञापन निकला, विज्ञापन होता है एडवर्टाइजमेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हो, या एक ऐसा संदेश होता है जिसको छपवा दिया जाए तो सब लोग पढ़ सकें, है ना, जब नौकरियां निकलती हैं तो तब भी वो वाला संदेश अखबारों में छपाया जाता है जिस पे लिखा होता है कि हमें एक टीचर चाहिए इस स्कूल में, अगर कोई आना चाहता है तो ऐसा ऐसा करे, तो उसको विज्ञापन कहते हैं। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है, मतलब अच्छे एक दीवान की ज़रूरत है, अच्छे मंत्री की, जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। ठीक है, सरदार राजा को ही कहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह ग्रेजुएट हो, मगर हृष्ट पुष्ट होना बहुत आवश्यक है, ताकतवर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएशन हो, बस ताकतवर होना चाहिए। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब मंदाग्नि जिसके मतलब शक्ति नहीं है, ऐसे मरीज को यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब वो ना ही आए तो अच्छा है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी, 1 महीने तक उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, 1 महीने तक उनको अच्छे से देखा जाएगा, अगर वो सही हो गए तो सिलेक्ट हो जाएंगे। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा, पढ़ा लिखा ना भी हो चल जाएगा लेकिन ईमानदार होना चाहिए। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे उस उच्च पद पर सुशोभित होंगे, ऐसा लिखा हुआ था किस में, एक न्यूज़पेपर में। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये वाला मैसेज इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया, सब जगह तहलका मचा दिया मतलब सब जगह ये खबर फैल गई, ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है, ऐसा सिर्फ नसीब का ही खेल है, ऐसा सब कहते हैं, ये बड़ा किस्मत से मिलता है ये वाला जॉब। तो फिर क्या होता है, सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य पर रखने के लिए चल खड़े हुए, सैकड़ों मतलब 100 से भी अधिक लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आने लग गए वहाँ पर। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे, प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता,
जब भी कोई रेलगाड़ी आती है तो उसमें से बहुत सारे लोग एक साथ में उतर के आते हैं, किसके लिए, सेलेक्ट होने के लिए, मंत्री बनने के लिए। अब कहाँ कहाँ से आते हैं, कोई पंजाब से चला आता, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ, रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। ठीक है, मतलब अलग अलग कपड़े पहने हुए अलग अलग लोग आने लग गए, अलग अलग फैशन किए हुए थे उन्होंने, सब आने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, जो सबसे खास थे वो सब ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे थे। क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है, ठीक है, जो हमारा शरीर है वो अगर हम खुला रखते हैं तो अंग प्रदर्शन कहलाता है, अगर उसको हम ढक के रहते हैं तो ढका रहता है। और सनद की कैद नहीं होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। तो सनद जो है वो डिग्री को भी कहते हैं, जब कोई डिग्री लेता है ना, जैसे कोई पढ़ता है तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो सर्टिफिकेट की कोई कैद में नहीं रहता। और ये सर्टिफिकेट हैं, यही होते हैं जो हमें बुरे कामों से ढक के रखते हैं। तो डिग्री वाले लोगों की पहचान कुछ अलग होती है, यही यहाँ इसका अर्थ है। सरदार सुजान सिंह ने इस महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था, जो भी लोग आ रहे थे उनको अच्छे से आदर सत्कार मिले उसका प्रबंध कर दिया था सरदार सुजान सिंह ने। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। उषा होता है सूर्य, ठीक है, बगीचे में जब टहलते थे तब सूर्य का दर्शन उनको होता था। मिस्टर दा सा और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर ला को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वह बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे, जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। तो सब लोग जो भी आ रहे थे उनको रहने के लिए व्यवस्था सब कुछ हो रहा था, तो सब अपनी मौज मस्तियाँ कर रहे थे, कुछ दिखावा कर रहे थे, कुछ अच्छे भी थे। यहाँ देखो आप, ये चित्र है, यहाँ देवगढ़ का रेलवे स्टेशन है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। जो पुराना दीवान था वो देख रहा था कि अच्छा वाला आदमी कहाँ पर है। तीसरा पैराग्राफ है कि एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। ये प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया, क्योंकि आज के युग में हॉकी आ गया ना, तो हॉकी खेलने के लिए कुछ नए नए कॉलेज के लड़कों ने कोशिश की। ये भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। तो गेंद भी आ गई, खेल भी शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में खेल बिल्कुल निराली बात थी, पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात है जी हमारी, ये देखो खेल हो रहा है यहाँ चित्र में, और देखिए ये चित्र लग रहा है बहुत विचित्र, सब लोग हॉकी खेल रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं। खेल बड़े उत्साह, उत्साह होता है एक्साइटमेंट, है ना, खेल बड़े उत्साह से जारी था, खुशी से जारी था, सब लोग बढ़ चढ़ के उसमें भाग ले रहे थे, तो वही खुशी थी सबको। तो खेल बड़े उत्साह से जारी था, दावे के लोग जब गेंद को लेकर तेज़ी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही, लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी, हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय
नहीं हो सका, कौन जीता कौन हारा इसका ना पता ही नहीं चल पाया, अंधेरा हो गया था। इस मैदान से ज़रा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर थे। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुँच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझला कर, मतलब उनको धक्का मारकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उबरने का नाम ना लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता मगर वहाँ कोई सहायक नज़र ना आता, सहायक मतलब हेल्पर। अब क्या होता है कि गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था, आपत्ति मतलब मुसीबत। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते धामते उधर से निकले। ठीक है, वो सब लोग जो हॉकी खेल रहे थे उनके हाथ में हॉकी के डंडे थे, सब लेते हुए वहाँ से निकले। आगे क्या हुआ ये देखिए। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, सहमी हुई मतलब दुखी था ना, तो मदद के लिए जैसे देखते हैं वैसे देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ, किसी से मदद मांगने की हिम्मत नहीं हुई। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा मगर आंखें बंद कर दी। जिनमें सहानुभूति ना थी उनमें स्वार्थ था, मद था मगर मद होता अहंकार, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। उदारता होता है मतलब बिना किसी मतलब के किसी की मदद करना, उदारता कह देते हैं हम उसको, तो वो भी उनमें नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और उसमें ताकत भी थी, साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला अपना और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी, मतलब गठा हुआ बदन होता है मतलब ताकतवर बदन, लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुक कर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो, अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो और बैलों को थोड़ा सा धक्का दो, हाँको, और मैं पहियों को ढकेलता हूँ, पहियों को ढकेलता हूँ। पहियों को कैसे ढकेलते हैं, मतलब पहियों को हाथ से धक्का मारता हूँ आगे वाली साइड। उसके बाद क्या हुआ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है, अब गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा, युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया, कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर किया, उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उनने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने आज मुझे उभार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, आज अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है, आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्करा कर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, मतलब गहरे पानी में गोता लगाने से ही मोती मिलता है, मोती ना ऊपर ऊपर तैरने से नहीं मिलता, मोती के लिए बहुत गहरी छलांग लगानी पड़ती है, अंदर तक जाना पड़ता है। तो ये 109 नंबर पेज था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पांचवा पैराग्राफ देखिए, यहाँ चित्र दिया हुआ वही नाले वाला है ना। निदान महीना हुआ मतलब यहाँ पर एक महीने का समय रखा था ना, इस महीने के अंदर ही हल निकालना था। निदान या हल को कहेंगे, हल किस चीज़ का निकाल रहे थे, मंत्री को ढूंढने का हल है ना, तो वो वाला महीना जो है वो पूरा हो गया कि मंत्री अब
कब मिलेगा, तो वो महीना पूरा हो गया, चुनाव का दिन आ गया। अब चुनाव आ पहुँचा, किसको चुनना है। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे, खुश थे, एक्साइटेड थे। पहले भी उत्सुक शब्द आया, अब फिर से एक बार उत्सुक शब्द आ गया। अब बढ़ते आ गया, दिन काटना पहाड़ हो गया। जैसे एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता ना, तो दिन बड़ा लगता है। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, लक्ष्मी पते पैसे को। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ में ताकत भी हो, आत्मबल भी हो, भरोसा हो जिसको अपनी ताकत पे। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सम्मान करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। कीर्ति होती है सब जगह फैली हुई आपकी प्रसिद्धि, और मान होता है इज्जत। ऐसे शिखर होता है ऊंची जगह पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ सा को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। जानकीनाथ सा मतलब साहब, तो जानकीनाथ जी आ गए हमारे कौन, रियासत के नए दीवान। तो रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। वास मतलब निवास। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सतावेगा, उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। चित्त होता है हमारा दिल या मन, ठीक है, जो कहते हैं चित्त। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। ये हमारे लेखक हैं जिनका नाम है प्रेमचंद जी। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो इनका नाम बार बार सुनेंगे। इनका नाम प्रेमचंद जी है, इनकी मूछें भी बहुत प्रसिद्ध हैं। हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रेमचंद जी का जो रियल नेम था वो था दनपत राय। उन्हें समाज सुधार, जो भी हमारी गांव हैं, शहर हैं, उनको सुधारने के लिए ना, या जो भी देशभक्ति की जो भी बातें हैं उनके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी और नॉवेल भी लिखे, जिसको उपन्यास कहते हैं। उनकी अनेक कहानियाँ हैं, जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि, बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई हैं। तो 1880 में इनका जन्म हुआ था, 1880 में। 1936 में ये हमारी इस दुनिया से चले गए थे, 1936 में। तो ये पाठ था परीक्षा, जिसको हमने पढ़ लिया। तो इसके जो प्रश्नोत्तर हैं, जैसे बाकी वाले पाठों के प्रश्नोत्तर बहुत सरल सरल हैं, वैसे ही हैं। तो कुछ पूछना है या आपको प्रश्नोत्तर जानने हैं, तो उसके लिए आप दूसरी वीडियो देखिए, प्रश्नोत्तरों वाली। तो इस वीडियो में हमने रीडिंग की है, इसको अच्छे से समझा है। तो ये था हमारा पाठ संख्या 10, इसको हमने पढ़ लिया। नए पाठ के साथ हम हाजिर होंगे। अगला पाठ आप जरूर देखिए, 11वां पाठ। तो ये थी हमारी पुस्तक मल्हार, जिसका था ये 10वां पाठ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको सभी को यही आशीर्वाद है कि आप पढ़ें अच्छे से।